बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। तो चलते हैं उसकी रेसिपी की तरफ। चावल हमने लिए हैं 3 पाव, बंद गोभी लिए हमने आधी, गाजर लिए हमने 2-3 अदद, शिमला मिर्च लिए 2 अदद, हरी प्याज लिए हमने 4 से 5 अदद, चिकन लिए हमने छोटे छोटे क्यूब्स काटे उसको हमने, ये है 250 ग्राम, ब्लैक पेपर है 2 टेबल स्पून, काली मिर्च लिए हमने 1 बड़ा स्पून, और ये है लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये लिया हमने 3 से 4 चम्मच, और अंडे लिए हैं 3 अदद, और ये है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर लेंगे हम 1 चम्मच। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चावल बॉईल करेंगे। पानी हमने बॉईल करने रखा है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे और हसबे जायका नमक शामिल करेंगे। अंडों का हम ऑमलेट बना लेंगे। हसबे जायका नमक डाल के हम इसको फेंट लेंगे। इसमें हम ऑयल डाल के ऑमलेट को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें अंडे डाल देंगे। अंडा फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे और छोटे छोटे पीस कर लेंगे। चावल बॉयल हो रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है हमने, अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है, हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। चिकन सोते हो गया है, अब इसमें डालूंगी मैं कुटी हुई मिर्च, आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो मत डालें। इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर डालिए, अब ये व्हाइट पेपर है, इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। चिकन पाउडर डालेंगे, इसको हम भूनेंगे थोड़ा और फिर इसमें हम वेजीज डाल देंगे। बंद गोभी डाल दी हमने इसमें, गाजर शामिल कर दी, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। वेजीज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए। वेजीज का पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसमें हसबे जायका नमक शामिल करेंगे, इसको मिलाएंगे अच्छे से, चावल शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। दो चम्मच सोया सॉस डालेंगे हम इसमें, हरी प्याज डालेंगे इसमें, और आखिर में एक फ्राइज डाल देंगे। पांच मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे।
प्रकार से फ्राइड राइस तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब इसमें थोड़ी सी हरी प्याज डाल देंगे खूबसूरती के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी है आसिया का किचन, उसको विजिट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।